आप अपना नाम स्क्रीन पे देख ही सकते हो पाटकर जी। प्रतीक झड़ाके थैंक यू फॉर ट्रिप्स ऑफ प्लेयरिंग मारिंग गाइस। देखो ऑफलाइन गई थी लेकिन आप है ना वो प्रैंक मत करो। एक बार पता है आपको कोल्ले का प्रैंक पता है क्या कि एक मुझे याद नहीं है वो, लेकिन मैं ऐसे ही मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि मंगलू रहता है, मंगलू के डैडी और मंगलू जा रहे हैं जंगल में, फिर मंगलू जाता है खेत में और वहां पे डैडी को डराने के लिए बोलता है डैडी डैडी मुझे जोर से टट्टी आई है पानी लेके आओ, और डैडी जाते हैं भग भग के थक थक के पानी लेके और देखता तो मंगू एकदम साफ है भाई, मंगू तो कोई टट्टी नहीं है मंगलू को। फिर अचानक दूसरे दिन फिर मंगलू सेम करता है डैडी सियारे सियारे डैडी प्लीज, डाडू दो दो बाल्टी लेके भग के जाते, फिर मंगलू वो नॉर्मल लेवल। लेकिन तीसरे दिन मंगलू को रियल लेवल पे टट्टी आती है और उस टाइम पे मंगलू चिल्लाता है डैडी इस बार सच में टट्टी आई है बचाओ। डैडी वहां पे दूर से हंसते हैं, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है कमीने मैं नहीं आऊंगा, और फिर मंगलू वहीं पे टट्टी कर देता है और बहुत ज्यादा गंदगी फैला देता है। गाइस ये कहानी तो आपने सुनी होगी, टिश्यू भी नहीं होता और टिश्यू भी नहीं होता वो, उसको अपने कपड़ों से काम चलाना होता है और डीमार्ट से नया नया चड्डी और टी शर्ट लिया होता है उसने, वो खराब हो जाता है गाइस। और पत्थर भी गोल नहीं रहते, नुकीले रहते हाँ ना यार। ओके शार्ट 24 गेमर को रेड करो नरे प्लीज, अरे मेरी जान रैंडम रेड नहीं होती है ना मेरे भाई जान, मैं क्या बोलूं मजाक चल रहा है क्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईश्वर आयो। बैनर बनाओ ना बैनर क्या, रैंडम रेड नॉट अलाउड, सॉरी सॉरी दलाली नॉट अलाउड, दलाली इज नॉट अलाउड यार। नहीं यार वो जो रैंडम रेड में जो मजा है वो किसी में नहीं है, मतलब चार्ली देखो अभी तुमको मतलब तुमको बेजबरी टॉयलेट में बिठाया बोला कि हगो चार्ली हगो, तो तुम नहीं हगोगे मतलब नहीं टट्टी करोगे, और अगर अचानक तुम ऐसे घूम रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ हाँ हाँ फिर कैसा है आइसक्रीम विस्क्रीम चल रहा है और अचानक से तुमको प्रेशर आई उई और तुम गए पब्लिक टॉयलेट में और उसके बाद जो सुकून तुमको आएगा वो सुकून जबरदस्ती वाले में है क्या बताओ। नाइस नाइस उदाहरण नाइस नाइस होना ही चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी वो अलग, सुकून तो मिलेगा लेकिन बाद में। और जो दूसरा कोई वो टॉयलेट में जाएगा और वो सूंघ के जो बेहोश हो जाएगा उसमें जो मजा वो तो अलग ही होता है चार्ली, वो तेरे को नहीं समझेगा मेरे दोस्त। मुझे एक लड़की पसंद है मैं उसको प्रपोज कैसे करूं? आकाश जी देखो सिंपल चीज है, आपको अपने मुंह से प्रपोज करना है, बोलने की प्रक्रिया को बढ़ाना है, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, हवा ज्यादा चाहिए, धड़कनों को धीमा रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल टॉप लेवल पे रखिए, प्रपोज उसके आंखों में आंखें डाल के करनी है, ऐसे लुक्के की तरह नहीं। अगर मर्द की तरह प्रपोज करोगे मर्द की तरह जवाब नहीं आएगा, औरत की तरह आएगा और हाकार आएगा मतलब होकर आएगा और आपकी जय जयकार हो जाएगी, जाओ नडो बिंदास कोई विषय नहीं है। आठ दांत घास के भी जाना, यस अनिश पर यू आर एब्सोल्युटली राइट, दांत घास के जाना वो कोलगेट की नहीं आठ ये धुआं छोड़ने का, नहीं तो अगर दांत घास के नहीं कहा तो फवारा छोड़ा या चार पांच लड़कियां उधर ही ठार वास से, ऐसा मत करना एकदम स्वच्छ होके जाना क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, लड़कियां उधर ही ठार।